फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट्स यानी एग। तो जब मेल गैमेट्स का फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट्स एग के साथ होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए यहां पर मेल गैमेट्स है स्पर्म, ये फीमेल गैमेट्स है एग, ये दोनों आपस में फ्यूज कर ये क्या बनाएंगे, जायगोट। तो यहां पर स्पर्म जो है ये मेल गैमेट्स है जो कि हैप्लॉयड है, यहां पर फीमेल गैमेट्स जो एग है ये भी हैप्लॉयड है, और ये दोनों आपस में जब फ्यूज किए तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ये एक डिप्लॉयड सेल बना, है ना, ये क्या बना, डिप्लॉयड सेल। तो ये डिप्लॉयड सेल जो है जायगोट कहलाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जायगोट। अब ये सब कुछ जो है ये कैसे और कहां पे होता है, ये जो है सो फीमेल का यूट्रस है, और इस यूट्रस में यहां पर ये जो है सो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब में ये जो जगह होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये जो जगह होता है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, इसको बोलते हैं एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन के पास आकर जो है सो यहाँ पर जो है स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे ये रुक गया, है ना, अब स्पर्म का ये यहाँ पे वेट करेगा। अब यहाँ से स्पर्म जो है, स्पर्म चूंकि मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, तो स्पर्म जो है सो स्विमिंग करते हुए ये पहुंचेगा कहाँ, ये एग के पास, और फिर यहीं पर जो है सो इस दोनों का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन का जो प्रोसेस है वह कहां पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन के पास, और यहीं पर फ्यूज कर फ्यूजन होगा दोनों का, और फ्यूजन होने के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा।